दिस इज डॉक्टर उपिंदर कौर, वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट के वीडियो में हमने ACL की एनाटॉमी और उसके फंक्शंस और कुछ मसल्स किस तरह से ACL के साथ रोल प्ले करती है तो उसके बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वो क्लिक करके आप देख सकते हो। अब ये वीडियो में हम जो है ACL टीयर के बारे में पढ़ेंगे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर। अब ये जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर, ये दो तरह की इंजरी से होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज और सेकंड है कॉन्टैक्ट एंड हाई ट्रोमेटिक इंजरीज। अब सबसे पहले जो है नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज के बारे में देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज में होता क्या है, ऑकर व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन और लैंडिंग फ्रॉम जंप कर रहे हो, लैंड कर रहे हो उस टाइम पे, और उस टाइम पे या तो डायरेक्शन एकदम से चेंज कर ली, उस टाइम पे जो इंजरी हुई वो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी में आएगा। सेकंड है रोटेशनल मैकेनिज्म। अब लिटरेचर में भी है इस तरह से कि 78% जो ACL टीयर में नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज होती है वो रोटेशनल मैकेनिज्म की वजह से होती है। अब रोटेशनल मैकेनिज्म में क्या होता है कि प्लांटर फुट के ऊपर टीबिया जो है एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, सडन ट्विस्ट बोल सकते हैं, टीबिया रोटेट्स एक्सटर्नली ऑन अ प्लांटर फुट। लिटरेचर सपोर्ट्स दैट दिस मैकेनिज्म कैन अकाउंट फॉर एज मैनी एज 78% ऑफ ऑल ACL इंजरीज। अब सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज का, फोर्सफुल हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी। अगर नी का फोर्सफुल हाइपर एक्सटेंशन किया हो तो भी ACL टीयर होगा। अब सेकंड है कॉन्टैक्ट एंड हाई एनर्जी ट्रॉमेटिक इंजरीज, जिसमें कॉन्टैक्ट और हाई एनर्जी ट्रॉमेटिक इंजरीज हो। सबसे पहले उसमें आता है कि ये जनरली ये इंजरीज जो है ACL टीयर के साथ साथ दूसरे लिगामेंट और मेनिस्का इंजरी भी होंगी, जैसे कि टेरिबल ट्रायड जिसे अनहोली ट्रायड और डोनोगो ट्रायड भी बोलते हैं। अब ये जो टेरिबल ट्रायड है इसमें एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी होगी, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट भी और मीडियल मेनिस्कस भी इंजर्ड होगा। सेकेंड है विद प्रोलॉन्ग एम्बुलेशन ऑन अ नी दैट हैज अ डेफिसिट ACL, द सेकेंड रीस्ट्रेंड लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लेटरल जॉइंट कैप्सूल आर स्ट्रेस एंड बिकम लैक्स एंड क्वाड्रिसेप अवॉइडेंस गेट डेवलप। अब होता क्या है कि ACL जब टीयर हो जाता है, या तो ऐसे लोग जिनमें ACL नहीं प्रेजेंट नहीं है तो कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पे जो है फोर्स बढ़ जाता है, जैसे कि लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, पोस्टीरियर लेटरल जॉइंट कैप्सूल। तो ऐसे पर्सन में क्या होता है कि ये सारे स्ट्रक्चर लैक्स, इनकी लैक्सिसिटी बढ़ जाती है और पर्सन क्वाड्रिसेप अवॉइडेंस गेट उसमें डेवलप हो जाता है। जनरली जब ACL टीयर हो तब भी पर्सन में ये कभी कभी क्वाड्रिसेप अवॉइडेंस गेट डेवलप हो जाता है। अब इस गेट में होता क्या है कि क्वाड्रिसेप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाता है, तो इसलिए क्या होता है कि पर्सन का जो नी है वो लिम लोडिंग फेस में फुली एक्सटेंड नहीं होगा, तो उसे जो है क्वाड्रिसेप अवॉइडेंस गेट बोलेंगे। तो ACL टीयर की जो कॉमन मैकेनिज्म है, ACL टीयर जो है वो अभी हमने देखा उसके मैकेनिज्म, वो काफी अलग अलग तरह से जो है वो उसकी इंजरी हो सकती है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जिसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ACL टीयर ऑकर इन सेवरल वेज, काफी अलग तरह से हो सकता है। फर्स्ट चेंजिंग डायरेक्शन रैपिडली, अगर कोई पर्सन एकदम से डायरेक्शन चेंज कर दे तो। सेकेंड स्टॉपिंग सडनली, कोई रनिंग कर रहा है और एकदम से स्टॉप हो जाए तो भी उसमें ये ACL टीयर के चांसेस है। थर्ड स्लोइंग डाउन वाइल्ड रनिंग, जो वही कि जब रनिंग कर रहे हो और एकदम से स्लो हो जाए उस टाइम से। फोर्थ लैंडिंग फ्रॉम जंप इनकरेक्टली, कोई हाई जंप करता है तो उस टाइम पे लैंडिंग करते टाइम इनकरेक्ट लैंडिंग हो उस टाइम पे। फिफ्थ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कोलाइजन सच एज फुटबॉल टैकल, या तो डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट और कोलाइजन की वजह से इंजरी हुई है। अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जिसमें देखा गया है कि ACL इंजरी जो है वो फीमेल एथलीट्स में ज्यादा होती है कंपेयर टू मेल एथलीट्स। सो सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट फीमेल एथलीट्स हैव अ हायर इंसिडेंस ऑफ ACL इंजरी
देन मेल एथलीट्स बिकॉज ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन. ये अब क्यों होता है तो उसके लिए कुछ रीजंस है. फर्स्ट, फीमेल और मेल की फिजिकल कंडीशन अलग होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ अलग होती है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में डिफरेंसेस होते हैं, पेल्विस एंड लोअर एक्सट्रीमिटी अलाइनमेंट वो भी काफी इफेक्ट करता है. जैसे कि फीमेल का पेल्विस वाइडर होता है, उसकी वजह से उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी की अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी अलग होती है. इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन लिगामेंट प्रॉपर्टीज. ईस्ट्रोजन जो है फीमेल में जो हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, ये जो है लिगामेंट की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है. बहुत सारी स्टडीज में ऐसा भी है कि लिगामेंट को जो है उसकी लैक्सिसिटी बढ़ा देता है. तो ये कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से फीमेल एथलीट्स में जो है ACL टियर होने के चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू मेल एथलीट्स. तो ये था ACL टियर की मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरह से इंजरीज होती हैं और फीमेल एथलीट्स में क्यों ज्यादा होती है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.